सैंपल भी जो फिक्स है, हम ट्रैक स्ट्रिप का पीछा कर रहे हैं। अरे नहीं, अपने नाइट्रो बूस्ट की वजह से वो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा। और जो हथियार उसने विंडेल के स्टोरेज सेल से चुराया था वो अब भी उसके पास है। साइडस्वाइप, तेज जाने के चक्कर में दूसरों को गंदा मत करो। क्या हुआ, फिर से ना लेना? तो पूरी तरह कीचड़ में सन गया। यहाँ के कीचड़ में मीथेन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए कीचड़ में गैस के बुलबुले बन रहे हैं। ध्यान रहे उसमें आग न लग जाए। मैं तो फंस गया, मुझे अपने प्रमोशन के लिए निकलना ही होगा। साइडस्वाइप, जो पहले पहुंचा स्टांटिकॉन उसका, जाओ उसे पकड़ लो। Robots in disguise, Combiner's Force, the Great Divide. ये धमाका कैसे हुआ? मैंने मीथेन गैस के बारे में आगाह किया था। मैं कहाँ हूँ? ए, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। लेफ्टिनेंट, क्या बात है? आपको क्या दिख रहा है? मेरी बात सुनो, मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, घबराना मत। पता नहीं कैसे हम सब मिलकर एक विशाल ऑटोबॉट बन गए हैं। रुक जाओ, घबराना मत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हम कुछ सोच लेंगे। शांत हो जाओ, सब लोग चुप हो जाओ। मैं वी मोड में क्या किसी भी मोड में नहीं बदल पा रहा हूँ। ये क्या हो गया? क्या मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग आर्म से जुड़े रहना होगा? मेरे लिए भी ये कोई खुशी से नाचने वाली बात नहीं है। क्या मैं सबसे नीचे हूँ? सबका बोझ मैं उठाऊंगा? हे, बस करो, फिक्र मत करो और जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा करो। स्ट्रॉन्ग आर्म, आई थिंक तुम मेरी राइट हैंड हो। मैं सबको सिटिंग पोजीशन पर लाता हूँ, उसके बाद तुम खुद को ऊपर करना। अपने ब्रेन को ये कमांड भेज दो। गुड, साइडस्वाइप, लगता है तुम मेरे लेफ्ट हैंड हो, खुद को स्ट्रेच करो। अब ठीक लग रहा है। ओके, अब ग्रिमलॉक, तुम पैर हो। मुझे पता है। जब मैं कहूँ तो एक पैर को अंदर लो और दूसरे को मोड़ो, फिर अंदर वाला पैर पुश करो, तब शायद हम खड़े हो पाए। चलो धीरे। मैं सही कर रहा हूँ ना? ठीक है, इतनी तेजी से नहीं। साइडस्वाइप, हमें सपोर्ट चाहिए, जमीन से सपोर्ट लो। वाव, हम तो ऑप्टिमस से भी बड़े लग रहे हैं। मुझे तो इसमें बड़ा मजा आ रहा है। सॉरी ड्रिफ्ट, शायद तुम एक हथियार हो, एक तलवार। मैं तुम्हें उठाता हूँ। साइडस्वाइप, साइडस्वाइप,
लगता है इसका असर सिर्फ थोड़ी देर के लिए हुआ था। मतलब ये फिर से हो सकता है? कब? अगर हम लोग मीथेन गैस के आसपास नहीं हो तो क्या होगा? अगर ये मीथेन से हुआ हो तो मैं वादा करता हूँ हमें इसका जवाब मिलेगा। ये एक बहरूप या डिसेप्टिकॉन है, सूरों की तरह। मैं इसे निपटता हूँ। हे रुक जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे नहीं लगता वो डिसेप्टिकॉन है साइक्सवाइप। मुझे तो लगता है तुम दो हो। ओह नो, मैंने अपने बुरे सपने में बिल्कुल ऐसा ही देखा था। ठीक है, जब हम अपने रूप में आए तो तुम दो हिस्सों में बट गए होगे। ये टिन का डिब्बा मेरा हिस्सा तो नहीं है। आप हमें से किसको रखेंगे? मुझे बहना, जब तक मैं यहाँ पर हूँ वो तुम्हें क्यों रखेंगे? बम्बलबी जो फिक्स है, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है और हम उस स्टंटिकॉन का पीछा नहीं कर सके। हम वापस स्क्रैप यार्ड आ रहे हैं। ऐसा मत करो प्लीज, मेरा पेंट निकल जाएगा। तुम्हारे तो मैं सरसूर से निकाल दूंगा, बच के रहना मुझसे। बम्बलबी, स्ट्रॉन्ग आर्म, ड्रिफ्ट, ग्रिमलॉक, साइड स्वाइप, ये कैसे हो गया? पहले तो हम सब जुड़कर एक बड़ा रोबोट बन गए थे, फिर हम अलग हुए तो ये नमूना मुझ में से निकल कर आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम मुझ में से निकले हो। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि असली साइड स्वाइप का स्टाइल ही अलग है, समझे? बस साइड स्वाइप, जब तक हम कुछ सोच नहीं लेते अलग अलग खड़े हो जाओ। सोचने की जरूरत क्या है? जाहिर सी बात है कि मैं ही असली हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस टीम को छोड़ के जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। हे, मुझे नीचे उतारो, ये कोई मजाक नहीं है। मजाक मैं नहीं उठाया। चलो ना दोस्त, जाकर देखते हैं डैनी के पास कितने टमाटर के सॉस की बोतलें हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना था कि अगर आप हम में से किसी एक को निकालने वाले हैं तो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हमें थोड़ा सा वक्त दो प्लीज। सॉरी, कहने की जरूरत नहीं लेफ्टिनेंट, मैं कुछ टेस्ट्स करता हूँ और जल्द से जल्द इस रहस्य की गहराई तक पहुँचता हूँ। थैंक यू। सर, क्या आप सच में जुड़कर एक विशाल ऑटोबॉट बन गए थे? हाँ फिक्स इट, और हमें उसके बारे में भी पता लगाना होगा। और ड्रैग स्ट्रिप ने जो चुराया था वो उसके पास ही होगा ना? हाँ, पर मुझे फिक्र हो रही है कि वो हथियार कितना नुकसान पहुँचा सकता है। हाय मेरे दोस्त में यार, तुम कहाँ थे? तुम्हारे पास क्या है? अब बीच में मत आना डरपोक, मेरे पास लेफ्टिनेंट बनने का टिकट है और ये सिर्फ मेरा है। ओह, ऐसी बात है, दिखाओ मुझे। हे, तुम मुझसे मेरी तरफ निशाना क्यों साध रहे हो? एक ग्रेविटी एडजस्टर अच्छा है, बहुत अच्छा है। बंद करो उसे ड्रैग स्ट्रिप, इससे पहले कि वाइल्ड ब्रेक पूरी तरह से ब्रेक हो जाए। तो प्रमोशन देने के बारे में क्या ख्याल है बॉस? अगर हम ग्रह के रास्तों को कंट्रोल कर सके तो ग्रह को कंट्रोल में रख सकेंगे। मैं तंग आ चुका हूँ इन इंसानों और ऑटोबॉट्स की दखलंदाजी से। चलो दिखा दें इन्हें कि हम क्या चीज हैं। प्लीज यार, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें तभी छोड़ सकता हूँ जब बम्बल भी कहे। चूंकि अब तुम बंधे हुए हो तो शायद हम दोनों बात कर सकते हैं। क्या कर रहे हो? पेंट निकल जाएगा। देखो, मैंने बहुत सोचा, अगर हम एक ही बॉट के दो आधे हिस्से हैं तो हमें एक दूसरे की जरूरत है, तो हमें मिलकर काम करना चाहिए जब तक कि हम फिर से एक नहीं हो जाते। तुम बस मुझे हमेशा टोकते हो। तुम मेरे दिमाग में चलने वाली उस आवाज की तरह हो जो मनपसंद चीज करने से टोकता है। हे,
अब मुझे वो आवाज नहीं आ रही। खैर मैं तुम्हारे साथ काम आखिर क्यों करूंगा, क्योंकि तुम अगले 2 साल तक ग्रिमलॉक की गोद में बैठना तो नहीं चाहोगे, और मैं भी नहीं चाहता कि मुझे टीम से निकाल दिया जाए और मैं अकेला हो जाऊं। सबको मैं ही क्यों मिलता हूं? बॉस ने कहा नुकसान पहुंचाओ इंसानों और ऑटोबॉट्स को। अब क्या करूं? हमें मेन कमांड कंसोल की मदद से स्टंटिकॉन को ढूंढना चाहिए, फिर उसके मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। लेफ्टिनेंट चाहते हैं कि फिक्सिट अपने सारे रिसोर्स यूज करके कंबाइनर इफेक्ट को स्टडी करे और साइड स्वैप को जोड़ने का तरीका ढूंढे। एक साइड स्वैप को झेलना ही मुश्किल था, अब तो दो दो साइड स्वैप है, वो हमें पागल कर देंगे। उम्मीद है फिक्सिट कोई तरीका ढूंढ निकाले। सब लोग ध्यान से सुनो, शायद मुझे पता चल गया उस कीचड़ भरे इलाके में क्या हुआ था। आपके कंबाइन होने के पीछे शायद उस न्यूक्लियर रेडिएशन का हाथ है जो रेगिस्तान वाले मिशन में आपने अब्सॉर्ब कर ली थी। शायद स्टंटिकॉन के नाइट्रो बूस्ट और कीचड़ के मीथेन गैस के कॉम्बिनेशन ने आपकी बॉडी के रेडिएशन वाले सेल्स पर असर डाला है। लेकिन हमारे जुड़े हुए हीरोज का क्या, साइड स्वाइप क्यों अलग हुआ? ये नहीं पता, साइड स्वाइप धमाके के सबसे करीब था, उसके डिसेप्टिकॉन हंटर की एनर्जी की वजह से कोई रिएक्शन हुआ होगा। तुम मुझे नीचे, मुझे देखना है कि ओह नो, मेरा डिसेप्टिकॉन हंटर कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? तुम मेरे बुरे आधे हिस्से। मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ बम्बलबी, प्लीज मुझ पर यकीन करो। मुझे डिसेप्टिकॉन हंटर का एनर्जी सिग्नल भी नहीं मिल रहा। कहीं वो उस धमाके में खत्म तो नहीं हो गया? दुश्मन के हाथ लगने से तो अच्छा ही होगा, मतलब अब हमारे पास सिर्फ एक डिसेप्टिकॉन हंटर है। लेकिन हम इस बारे में कुछ कर भी तो नहीं सकते। फिक्स इट, ये जो 5:1 ट्रांसफॉर्मेशन है, हम इसे करना सीख सकते हैं। एक विशाल कंबाइंड ऑटोबॉट बनना हमारे मिशन में काम आ सकता है। हमने 2 स्टंटिकॉन्स को कंबाइन होकर एक बनते हुए देखा है, आपको भी ये पता लगाना होगा कि आप किस चीज से कंबाइन होते हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि वो चीज कोई विस्फोटक गैस न हो। एक आइसोलेटेड स्ट्रीट ट्रूपर स्टेशन मदद के लिए सिग्नल भेज रहा है, वहाँ बहुत जबरदस्त भूकंप आया है, मुझे उसी इलाके से एक स्टंटिकॉन का भी सिग्नल मिल रहा है। हो सकता है ये उस हथियार का काम हो। तुम दोनों यहीं रहो जब तक तुम दोनों ठीक ना हो जाओ। मैं नहीं रुकने वाला, मुझे लड़ना है। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जाओगे ना? सर, ये साइड स्वाइप्स काम आ सकते हैं, खासकर अगर उन स्टंटिकॉन के पास भी नाइट्रो बूस्ट हुए तो। हाँ सही कहा, तुम दोनों चलो, पर लड़ना मत, वरना ग्राउंड ब्रिज से सीधा यहीं भेज दूंगा। अब रूप बदलो और चलो। तुम मेरे रास्ते में बिल्कुल मत आना और मुझे बुरा मत दिखाना। लेकिन तुम तो पहले से बुरे दिखते हो। क्यों, सही कहा ना? हे! अपने मिशन पर वापस जाओ। ये मुझे दो, इससे मुझे काफी एनर्जी मिली है, अब मेरी आधी से ज्यादा शक्ति वापस आ गई है। वापस जाओ। जो भी स्टंटिकॉन से उलझेगा उसका यही हाल होगा। इस हथियार से तो मैं बॉस को रास्ते से हटा सकता हूँ। लेफ्टिनेंट तो क्या, मैं तो अपना बॉस बन सकता हूँ। नो, वो ग्रेविटिक एडजस्टर यूज कर रहा है, वो सैनिक तो गए, अगर हम उसका ध्यान बटाए तो कुछ हो सकता है। ड्रैग स्ट्रिप, उस हथियार को नीचे करो और हाथ ऊपर करो। हाँ, मैं तो तुम्हारी कठपुतली हूँ ना। स्ट्रॉन्ग आर्म, साइड स्वाइप असिस्ट, उस स्टेशन पर जाओ, देखो वहाँ किसी को मदद की जरूरत है क्या। ड्रैग स्ट्रिप से हम निपटते हैं। इतना छोटा काम मुझे समझ कर क्या रखा है, और अगर मेरे वापस आने तक आप लोग चले गए तो मैं तुम्हें पहाड़ के नीचे फेंक दूंगी, समझे? तुम हाथ लगा कर तो देखो, इसके बाद मान लो। तुम जानते हो ना, ये गुस्सा होती है तो कितना डर लगता है। ये उसे बताने की जरूरत नहीं है, अपना मुंह बंद रखो वरना तोड़ दूंगा मैं।
उस दिलों की तरह पीछे से हमला, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें देख लिया। ड्रिफ्ट, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। हीरो बन गया जीरो। अलविदा ऑटोबॉट, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। मैं किसी से ऐसी और मशीनें बनवा लेता हूँ, फिर मैं इन्हें दूसरे डिसेप्टिकॉन्स को बेचूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा। मुझे कुछ तो करना होगा, पर क्या करूं? आजा, किस में है दम? ग्रिमलॉक में है दम। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डायनोबॉट। उसका पीछा करो, रूप बदलो और चलो, जाने दो। यहाँ कोई इंसान नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन हमने हर जगह अच्छे से नहीं ढूंढा है, हमें ऑर्डर मिला है। देखो तुम मुझे मत सिखाओ। देखा, तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं खुद ही बच जाता। तुम जानते हो कि तुम नहीं बच पाते, और ये भी जानते हो कि तुम मेरे बिना अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, और अगर मैं हर बार तुम्हें बचाता रहूं तो मैं तो हाँ मैं समझ गया, पर तुम सही नहीं हो, पर शायद तुम गलत भी नहीं हो। इस बिल्डिंग में इंसान नहीं है, चलो। स्ट्रॉन्ग आर्म, ये रही मेरी लॉटरी की टिकट। आसान निशाना, लगता है गिरने से इसका निशाना खराब हो गया। कोई बात नहीं, और पास जाकर मारता हूँ इनको। स्ट्रॉन्ग आर्म खतरे में है, और अगर तुम उसके सामने जाओगे तो तुम भी नहीं बच पाओगे। ठीक है, तो अब बताओ कि क्या करें ब्रेन बॉट। सबसे पहले आसान वाले को मारता हूँ। ऐसा मत करो। एक मिनट, तुम्हारा हमशक्ल कहाँ गया? वो चला गया, हमने प्लान बनाया था, उसे वो ट्राई नहीं करना था, उसने कहा कि वो तंग आ चुका है, तो वो चला गया, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। इस टीम को ज्वाइन करने से पहले मैं अकेला था, और ये मुझे नहीं पसंद। दूर रहो। मैं तुम स्टंटिकॉन्स को ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं स्टंट्स अच्छे करता हूँ। पहले तुम्हें खत्म करता हूँ। तुमने मुझे बचाया, अब मैं तुम्हें कैसे कुछ भी होने दे सकता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। गुड, तुम्हें ग्रेविटी का एडजस्टर मिल गया है, मैं तुम्हें बताता हूँ इसे बेअसर कैसे करते हैं। एक मिनट, तुमने ड्रैग स्ट्रिप को कैसे हराया? हम दोनों ने मिलकर हराया, पर ये बात किसी को बताना मत, ओके? अगर ये रीएमर्ज प्रोसेस काम करेगा तो क्या वो हमें फिर से अल्ट्रा कंबाइनर बनने से रोकेगा, या फिर उसका रूप ले सकते हैं? मुझे लगता है दोनों की संभावनाएं हैं सर, मैं और टेस्ट्स करके देखता हूँ। फिक्स इट, हमें कैसे पता कि इस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में चार साइड स्वाइप्स नहीं बनेंगे? या जीरो, जैसे तुम हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे टोकना कभी भी बंद करोगे। ओके, ध्यान से सुनो सब, मैंने सारी संभावनाओं को इस प्रोग्राम में करके देख लिया। और कितनों में साइड स्वाइप एक हुआ? 12। 12? साइड स्वाइप।
स्कैन्स बता रहे हैं कि साइड स्वाइप एक फुल स्ट्रेंथ सिंगल ऑटोबॉट बन गया है। मुझे बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो साइड स्वाइप। अगर तुम्हारे किसी हिस्से को अभी लग रहा है कि तुम टीम से बाहर निकाले जा सकते हो तो उसे कह दो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं खुश हूँ तुम ठीक हो गए साइड स्वाइप। मैं भी। अब मुझे हर वक्त खुद पर चिल्लाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए स्ट्रॉन्ग आर्म है ना। कृतार्थ एज साइड स्वाइप, वैभव ठक्कर एज फिक्सेट, घनश्याम एज डेनी एंड सीमा कौर, आदित्य एज ग्रिमलॉक एंड ड्रिफ्ट, अमित एज रसल, अनीता डोकानिया एज स्ट्रॉन्ग आर्म।